समाहरणालय कार्यालय में उपायुक्त संदीप सिंह के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को संविधान दिवस को लेकर दिलाया गया शपथ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर होकर अपने इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 तिथि मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को एदित द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। यह शपथ शनिवार को संविधान दिवस के मौके पर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में लिया गया। संविधान दिवस के मौके पर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त संदीप सिंह ने सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को संविधान की शपथ दिलाई। इस दौरान जिला दंडाधिकारी सब उपायुक्त की अगुवाई में संविधान की प्रस्तावना को सब पढ़कर शपथ ली। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि आज का दिन बहुत ही हर्ष एवं उल्लास का दिन है। इस दिन को देश में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का जो निर्णय है उसी के आलोक में जिले के समस्त पदाधिकारीगण सभी विभागों के कर्मीगण समाहरणालय के सभा कक्ष में उपस्थित हुए और संविधान की जो प्रस्तावना है उसका पठन सभी के द्वारा किया गया। बेसिकली आज एक ऐसा दिन है जब इसी तारीख को 26 नवंबर को ही वर्ष 1949 में भारत का संविधान लागू किया गया और इस दिन के अवसर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का और इस अवसर पर जो संविधान के मूल्य हैं, जो संविधान के आदर्श हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उसको हम लोग अपने जीवन में अपनी कार्यशैली में कैसे आत्मसात करें, कैसे उसको पालन करें, उसी का संकल्प लेने के लिए संविधान दिवस के रूप में दिन मनाया भी जाता है और प्रस्तावना आज सभी पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा धनबाद समाहरणालय में पढ़ी गई।